धनबाद जिला गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत मरचो पंचायत के पंजनिया गांव में कूप निर्माण का काम मई 2014 से चल रहा है, जिसमें खलील अंसारी एवं उसके जैसे 8 मजदूरों ने 36 दिन काम किया, जिसमें से उन्हें सिर्फ 18 दिन का मजदूरी भुगतान किया गया है। तो जो है ना, हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, 36 रोज जो है ना काम किए, 18 रोज का पैसा मिला। 18 रोज का पैसा अभी करीबन 3 महीना 4 महीना से नहीं मिला हमको, 3-4 महीना हो गया पैसा नहीं मिला है। इसलिए के हम लोग जो है ना अभी कहीं इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं और किसी तरह बाल बच्चा को जी रहे हैं। देख रहे हैं मेरा मकान किस तरह का है, सो किवाड़ी देख रहे हैं मेरा किस तरह का है, सो पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग बाल बच्चा कैसे परवरिश करेंगे? चावल वावल कहाँ से खरीदेंगे? कोई हम लोग को देता नहीं, नहीं मजदूरी कोई देगा? 10 रुपया उधार हो जाने से फिर दूसरा आदमी बैठने नहीं देता दुकान में। अभी तक क्या किए जो है ना ग्राम सेवक को, इससे उससे जो है ना खबर करवाए तो बोला कि आज देंगे कल देंगे, तो वो जो है ना मिल रहा है हम लोग को। अब हम लोग उतना दौड़ ड्यूटी छोड़ के हम लोग जा पाएंगे? इधर जो है ना 2-4 बाल बच्चा है, इधर फिर परवरिश कैसे चलेगा? जब हम काम छोड़ के एक रोज नहीं दूसरा रोज हम जा सकते, लेकिन 5वां रोज 6ठा रोज तो हम लोग जाना ही ना पाएंगे सर। इसी लेके जो है ना हम लोग छोड़ दिए, हम जाने दीजिए, अब क्या करेंगे? उसका मर्जी, देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। उसी प्रकार अम्बाडी गांव के 2 कुआं और पूरे पंचायत के 21 कुआं के मजदूरों को पिछले 4 महीना से मजदूरी राशि नहीं मिला है, जिसके चलते इन गरीब मजदूरों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या श्रम विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण मौजूद है। कुइयां नरेगा से हो रहा है, इसमें काफ़ी करीब 2 महीना काम हुआ है, उसमें से 1.5 महीना का जो है पैसा मिला, उसके बाद पैसे फंड में नहीं है, बहुत दिक्कत है पैसा के लिए, लेबर क्या है पैसा हमको 90,000 के लपेट मेरे पैसा मिला है और पैसा अभी बाकी है। कितना का था योजना? 2,57,000 का है। हम कर्ज लिए, बैल बेचे, अपना बैल बेचे, कर्ज किए, मेरा 2 लड़का बाहर में खटता है, उस पैसे से कुआं धस रहा था, उस डर के चलते से हम कुआं अपना जल्दीबाजी करके बंधवा दिए घर से। अभी मैं कुआं का जुड़ाई कंप्लीट हो गया है मेरा, जिसमें मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। आते हैं जन सुनवाई में भी बोले, लेकिन बोला कि 15 दिन में हो जाएगा, 2 महीना बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि मनरेगा फील्ड वर्क के दौरान मुझे इन मजदूरों की दर्द भरी कहानी सुनने को मिली, इसलिए मैं और इस गांव के सभी मजदूर चाहते हैं कि इनका बकाया राशि जल्द से जल्द मिले और कुआं का काम चालू हो। इसके लिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करती हूं कि आप श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोविंदपुर श्री कृपाल सिंह को संपर्क नंबर 9431336623 पर फोन कर इस समस्या से अवगत कराएं। मैं भारती, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहद के लिए।